इंसानियत भी तले रह गई, नूरी नूरी ताकत भी तले रह गई। तो सिदरतुल मुंतहा तो लेके रब अल्लाह ताला दे मकाम तक केड़ी ताकत गई? वो ताकत का नाम सिर्फ मुहम्मदी। इंसान का सफर इना, नूर का सफर इना, अगर सिर्फ अगर कोई सफर कर सकता वह नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान ने समझा दिता थोड़ी हद नहीं है, थोड़ी हद इतने खत्म हो गई, अगे कौन जा रहा है। उधर फरिश्ते ने भी समझा दिता कि थोड़ी हद भी खत्म हो गई, जे जबरील आके एक उंगली भी मैं अगे जा तो मेरे पर जल जान। जबरील भी सोचने से मजबूर हो गया कि मैं अपने आप में नूरी कहना, मैं इतने रुक गया, मेरे आका सल्लम अगे जा रहा। जबरील ज्यादा जानता सी या तुसी ज्यादा जानते हो? अज दो लत्ता वाला इंसान ज्यादा जानने लग पाया, लेकिन जबरील ज्यादा नहीं जानता जिन्हें तमाम नबिया अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और सारी मखलूक जी वो सामने बनती पी है। और जबरील ये तो कह सकता सी ना क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम मैं अगे जा ते सर जाना, तुसी मेरे नाल आयो, तुसी ना जायो अगे। सलाह दे सकता जी नहीं दे सकता? दिती सलाह नहीं दिती, उल्टा मेरे आका ने पूछा क्या जबरील मैं रब के कुरबे जाना पाया, कोई दुआ करानी है तो करा ला, कोई दुआ करानी है तो करा ले, कुरबे जाना पाया। फिर काबा कौसैन अदना का मकाम तक पहुंच गए कि दो कमाना का फासला रह गया। तो फिर सिर्फ एक बार ही नहीं गए, बार बार नमाजा पंजा दिखा गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पंजा नहीं सी पढ़ती, तो आका ने फरमाया अच्छा मैं कुछ घटवा लेना कि मेरी उम्मत दे रही है सख्ती ना आवे घट हो जा। नौ चक्कर जिसले लगाए अदा मतलब ये नहीं आया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं सी। अगर अल्लाह ने नहीं सी आका ने नहीं सी पता, बंदे ने नहीं सी पता, देने वाले नहीं सी पता। जरा तराज बंदे से जाता ना वो तराज रब से आता, तो जे बंदे नहीं सी पता तो रब नहीं सी पता आखिर पंज देनी है पहले पंजा क्यों दे दी गई? बात समझ आई है कि नहीं आई? अजे वास्ते मियां साहब ने फरमाया खासा की गल आमा अगे नहीं मुनासिब कर दी। कई ऐसे ऐसी चीजें ने बेच कि जेरिया वाक्य महाराज दियां हर बंदे के खोलनिया नहीं चाहिए क्योंकि वो बंदा वो समझ नहीं सकता। एक दफा चले गए नहीं, नौ दफा अल्लाह की बरकत गए। ये दलील है अल्लाह नाल मोहब्बत दी, और जिदा कोई तलक होवे वो ही सौदा कटवांदा। अभी किसी को लैन देन करना हो ना तो कहने जी तो तलक अला बंदा को लैके जाइए, उसके पीछे कोई घटा देगा। ये आका दा ते रब दा तलक है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत पीछे 45 नमाजा घटा देती है तो पांच रह गए। असी पांच भी पढ़ने वास्ते तैयार नहीं। फिर एक करम है कि पहली उम्मत 50 पढ़े तो 50 का सवाब मिले, तो तुसी पांच पढ़ो तो 50 का सवाब मिले, लेकिन तुसी पांच भी पढ़ने वास्ते तैयार नहीं। ये थोड़ी बदनसीबी है, बदनसीबी है, ये कोई खुशी वाली गल नहीं है, बदनसीबी है। तो फिर अज लोग कहते हैं कि जी नबी कब्र चले गए, वो पता नहीं किस हालत है चाहे। तो मेरे दोस्त जिन्हों का दुनिया च रह के दिल निकल जाए तो वह वेखते तकते हैं, तो अगर वो दुनिया तू चले भी जा मौत उन्होंने जिंदगी खत्म कर सकती नहीं। मेरे आका ने फरमाया अज सब तो बड़ी दलील ये भी सामने पता चलती है। अज लोग कहते हैं कि बंदे मर गए कोई फायदा नहीं देंगे। मूसा अलैहि सलाम लाल टीले के कोल कब्र च नमाज पढ़ रहे, मस्जिद अक्सर पहुंचते हैं तो मूसा अलैहि सलाम अगे पता ही लगा बुराक की रफ्तार कितनी है,
जिसे बुराक की पहली नजर पैंदी है, इंसान की नहीं बुराक की, जिसे उसकी पहली नजर पैंदी है उत्थे उहदा पहला कदम पैंदा। इतनी तेज रफ्तार मखलूक है, दुनिया से उस तो वध के तेज मखलूक कोई बना नहीं सकता। इन्नी गल मेरी याद रखो, मैं बहस नहीं जाता। दुनिया की जितनी भी रफ्तार वाली चीजा ने, चाहे वह रोशनी है, चाहे हवा है, चाहे जमीन है, कोई चीज भी उसकी रफ्तार तू अगे नहीं जा सकती, तले होगी, क्योंकि वह जनती है। वह जन्नत चो आया ना, दुनिया भी मखलूक ही नहीं, जनती मखलूक की रफ्तार, जिन्हें सवारी का यह हाल है कि जिथे उसकी पहली नजर पवे पहला कदम, तो वो सवार का की हाल होगा। सवारी इन्नी तेज होवे, इन्नी स्पीड होवे, तो मूसा सलाम इतने नमाज पढ़ रहे, तो बड़ी स्पीड है सवारी की, सवारी सोचती भी है कि मैं पहले पहुंच जाऊंगी, लेकिन सवारी ने भी समझा देता तू जानवर है तो मैं अल्लाह का नबी हाँ, नबी की रफ्तार सवारी नाल ज्यादा हो। जे बनी इसराइल दे नबी की रफ्तार ज्यादा वे तो दोवे जहाना का बादशाह तेरा खातमुन नबी बना के भेजा गया, उसकी रफ्तार कितनी होगी? तेरा सोच सही तो फिर कौर हैरान कौन बात कि मेरे आका सल्लम जो जा रहे तो आप जो वापस आए, तो वापस आने तो बाद अहले मक्का ने अबू जहल नाल गल हुई, अबू जहल ने कहा जी लोगों के सामने गल बयान करते हो गए? उन्हें कहा जी कर दांगे। लोगों के सामने गल बयान हुई तो उन्हें आखिया जी कोई निशानी? उन्हें कहा जी बैतुल मुकद्दस की निशानियां दस दियो। निशानियां दस दियां बैतुल मुकद्दस दी, उन्हें आखिया किसी को सुन के याद कर लिया आने दी, ये तो सारी जिंदगी उत्ते नहीं गई, तो सानू पता मस्जिद अक्सा दी निशानियां दस दौ, दस दी गई। बाद फरमाया कि जे काफले हटे गए, काफले राह जाते तके जे? उन्हें आखिया जी बिल्कुल तके, बिल्कुल काफले तकन। एक काफले का ऊंट गुम हो गया, एक काफले वाले ऊंट से बैठे हुए डिग पे थले दोवे, उन्होंने ऊंट त्रट गया मेरी सवारी में देख के। एक काफले वाले गलबात कर रहे सन, मैं उन्होंने गलबात भी सुनी, जहाज बंदा बैठा, जहाज से दूर की बात, तू कार बैठा हो तो बंदे राह गल करते भी होवन, तू सुनना सुनना? जे इतनी तेज रफ्तार सवारी से बैठे होवन तो जमीन से गल्ला होंदी भी होवन, आका सुनते भी होवन। पाल हजरत ने कहा ना, दूरों नजदीक है सुनने वाले वो कान। मेरी बात समझ आई है कि नहीं? मैं क्या मैं तेन गल सुनिया आन दे, देख लियो उन्होंने गल मैं तेन दसदा। सिर्फ ये भी नहीं, मेरे आका जन्नत दे तशरीफ लै गए, हजरत बलाल के पैरों की आवाज जन्नत अगे अगे भी सुन दे। बलाल जन्नत नहीं, बलाल जन्नत नहीं, बलाल मक्के पे चलता आवाज जन्नत सुन रहे। कई बंदे कहते नहीं जी बलाल ने जो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत से जाना तो बाघ खड़ी होनी है सवारी की, ये उस टाइम की आवाज है। तो जे आवाज उस टाइम की जिसल दुनिया मुक जाएगी तो जन्नत आबाद होएगी, तो फिर भी कमाल है कि अली दुनिया मुक्की नहीं, जन्नत आबाद नहीं हुई, तो उस टाइम की आवाज भी पे सुन दें। जिस पास भी रह के जा आका की जात का कमाल ही नजर आएगा, और कोई चीज नजर नहीं आएगा। मेरे दोस्त एको बात कि ओ होर ने असी होर, असी गुलाम हाँ वो आका ने, बस एको गल कि सारा जग तले भी तले मेरे ढोरे जेरे नबी है ना वो नाल दा नहीं, सारा सब जग सोना होगा लेकिन मेरे नबी के नाल तो सोना नहीं होगा। लोगों की अकल के उत्ते अगर पर्दा पै जाए तो उसका कोई हल नहीं, उसका कोई हल नहीं। शैतान ने जिसलिए उसने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी ना, तो अकल